गाइज, अभी आपने मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है, आपने देख ही लिया होगा। वो है सुबह का और अभी शाम के बज गए हैं 7 और तारे निकल गए हैं। मैं करने वाली हूँ पूजा और सब कुछ जल्दी में कर रही हूँ गाइज, क्योंकि क्या है, दीदी की तबीयत खराब हो रही है। दीदी को एडमिट कर दिया है हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल नहीं, यहाँ पे एक क्लिनिक है, वहाँ पे उनको एडमिट कर दिया है। ग्लूकोज की बॉटल चढ़ रही है, चाय वाय सब पहुँचवा दी थी मैंने, और अभी खाना बना रही है मम्मी। खाना बना के फिर दीदी के पास जाना है, तो मैं जल्दी जल्दी से पूजा कर लेती हूँ गाइज, और पूजा करने के बाद फिर दीदी को देखने जाते हैं कि दीदी की तबीयत कैसी है। तो गाइज, मैंने सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं बैठ गई हूँ पूजा करने के लिए। गाइज, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है बाइना निकाल रही हूँ मैं, और दीदी का भी आज सब मैं ही करूंगी। मम्मी अभी आ जाएंगी पूजा करने के लिए। तो गाइज, इसमें मैंने पैसे रख दिया है, मिठाई का डब्बा अलग से है, और कपड़े हम नहीं रखते हैं, शायद से मम्मी बताएंगी। तो मैं अभी जल्दी जल्दी में कर रही हूँ सब कुछ। तो गाइज, अभी मैं दिया बत्ती कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिल। गाइज, मैंने पूजा कर ली है, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए गाइज, ये मैंने पूजा कर ली है, अपना चढ़ाने वाला लोटा उठा लिया है, मम्मी का रह गया, मम्मी खुद से उठाएंगी, दीदी का मैं करूंगी अभी। बस ये कर दी है यहाँ पे पूजा जल्दी से। गाइज, अभी मैं जा रही हूँ ऊपर जल चढ़ाने के लिए। हैप्पी ने वीडियो ही नहीं बनाई, मैं पूजा करती रह गई, और हैप्पी ने, पता है आपको, मतलब आधे घंटे की वीडियो सारी गायब कर दी, ने कुछ नहीं बना। अरे यार, मुझे पता नहीं चला, मुझे पता चला शायद ओपन हो गया। चलो अभी चलते हैं नीचे, हैप्पी ने तो वीडियो बनाई नहीं है। गाइस, गाइस ये है खाना, बस जल्दी जल्दी में यही बनाया है, और बस यही भूख लगेगा। और आपने देख ही लिया है, पूजा मैंने कर ली है, और इधर मम्मी अपना पानी चढ़ाने जाएंगी ऊपर। दीदी का मैंने चढ़ा दिया है, ये देखिए। चलो मम्मी आ जाओ, कल के। और अभी मम्मा करेगी विशु कपड़े चेंज, और हैप्पी बुआ, हैप्पी, मैं बुआ पता नहीं क्यों बोलती हूँ, मौसी मौसी, मैं सोच रही थी बस अभी मैं करूंगी कपड़े चेंज और चलते हैं अंदर। विशु हैप्पी खा लो ना, आजा 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 मेरी हीरोइन, वीडियो नहीं बनाई, आजा। तो गाइस, बस पूजा हो गई है मेरे लड्डू गोपाल की, बस अभी अब जाना है दीदी को लेने, फटाफट से खाना भी बाद में ही खाएंगे, दीदी के साथ खाएंगे खाना। ओह, सब कुछ जल्दी जल्दी में हो रहा है। ओ यार, विशु भी थक गया है।
गाइस अभी जा रहे हैं हम हॉस्पिटल। मैंने चेंज कर लिया है, ऐसे ही जाना है क्योंकि पास में ही है। और कान के इयररिंग मैंने नहीं उतारे हैं, अब बाद में आके उतार दूंगी, जल्दीबाजी में जा रही हूँ। और ये हैप्पी यहीं पे, ये देखो विशु को खिला रही है। चलो गाइस चलते हैं, अभी चले हैप्पी, चले जल्दी चलो। गाइज मैं चली गई थी मम्मी के साथ और मम्मी ने बोला कि विशु बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, रो रहे थे, तो मम्मी ने बोला कि आप विशु को संभाल लो और मैं दीदी को ले आती हूँ। और आप गाइज देख सकते हो उन्हें, विशु को तो बस कहीं कहीं जाना है, पता नहीं कहाँ जाना है, समझ ही नहीं आ रहा है। देखो गाइज कितना परेशान कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं, बस मंदिर के पास जाना है। इधर आ जाओ बेटा, मम्मी मम्मी लेने गई है दीदी को। और ये मुझे मेरे, मैं मम्मी को कहती थी कि रात हो रखी है, आपको पता है 1 बजने वाले हैं। और ये विशु इतना परेशान कर रहे हैं, मैं पहले इन्हें संभाल लेती हूँ। विशु बस गाइस दीदी लोग आ चुके हैं और होगा तो मैं आपको दीदी को जरूर दिखाऊंगी। और गाइस अच्छा नहीं लग रहा है, मैं कितनी बार बोलूंगी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, होता है ना अजीब सा। और आपको पता है फास्ट भी रखना बहुत ज़रूरी था क्योंकि फर्स्ट फास्ट था और मैंने करवा चौथ का फास्ट भी छोड़ दिया था और मैं नहीं चाहती कि मैं ये वाला व्रत भी अपना छोड़ दूँ। तो गाइस बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों होता है ऐसा, कुछ अच्छा करने का सोचो तो बुरा पता नहीं क्यों हो जाता है। होना तो है ये, रोक तो कोई नहीं सकता है। खैर उनका डेंगू का टेस्ट करवाया है और रिपोर्ट अभी नहीं आई है, रिपोर्ट शायद से कल आएगी। और बस यही है, दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, समझ नहीं आ रहा। अभी खाना नहीं खाया है, बस पूजा करके आ गए हैं। मम्मी के साथ मैं जा रही थी, मम्मी ने बोला कि आप जाओ क्योंकि विशु छोटा है, विशु को रात में बाहर ले जाना अच्छा नहीं लगता है। और घर पे पापा भी है तो घर पे एक ना एक बंदे को रुकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं दीदी के पास नहीं गई थी और मम्मी आ गई हैं, फिर मम्मी ही गई थी और मम्मी लेके आ गई हैं दीदी को बस। और गाइस होगा तो मैं दीदी को आपको ज़रूर दिखाऊंगी। यहीं पे ही था पास में ना कोई, मैं हम हॉस्पिटल में नहीं लेके गई क्योंकि हमारा जो फैमिली डॉक्टर है वो घर पे भी आ जाते हैं और क्लिनिक भी पीछे ही है, तो हम उनके घर उनके पास चले जाते हैं, वो अच्छे से चेकअप करके दवाई दे देते हैं और ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है सब। तो बस यही था। और गाइस ये वीडियो मैं अभी यहीं पे छोड़ रही हूँ, अगर होगा तो आगे का वीडियो कंटिन्यू करूँगी। बट गाइस दीदी आ गई है और दीदी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही है और आप सोच रहे हैं हम हंस क्यों रहे हैं, हम ऐसे ही हंसते हैं ना अभी क्योंकि दीदी को खुश रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दीदी कितनी बोतल लगी? 3 बोतल लगी है गाइस, आपको पता है खुश रहना, खुश रहना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। हाँ हमें बहुत सारी बीमारियां भी नहीं होती है। हाँ ठीक है, तो गाइस लाइफ में कितनी भी मुश्किलें आ जाए, कुछ भी दुख हो जाए तो खुश रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। हंसो दीदी, हंस के दिखाओ। तो गाइस बस आज का हमारा होली का फास्ट ऐसा ही था। दीदी मैं तैयार भी नहीं हुई, मैं साड़ी भी लाई थी, सब कुछ लाई थी, मैं तैयार भी नहीं हुई। कोई बात नहीं, मेरा और मैंने ठंड बहुत वीडियो भी नहीं बनाई यार, मुझे ठंड बहुत लग रही थी। कोई बात नहीं, आपने तक सो लोड रखा है आप, कोई बात नहीं। आपने दीदी को ना भैया की शादी में देखना, दीदी कितनी सुंदर लगेंगी ना, दीदी को ना बहुत प्यारी लगती है मैंने देखा है। और मैं तो कुछ, आपको पता है मैं तो कुछ भी नहीं लग रही थी, दीदी बहुत अच्छी लगती है, मुझसे भी सुंदर लगती है पता है। और आपको पता है मैं दीदी को क्यों हंसाती रहती हूँ, मैं इसलिए हंसाती रहती हूँ क्योंकि लाइफ में खुश रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। खुश रहेंगे तो खाना भी हजम हो जाता है। देखो अभी भी हंसा रही हूँ और हैप्पी भी बिल्कुल मेरी ही तरह है, खुश रहती है, जैसे मैं खुश रहती हूँ वैसी हैप्पी है, खुश रहती है। तो गाइस आपको दिखा दो, ये मेहंदी है दीदी की। तो गाइस 3-4 दिन ड्रिप और लगी। हाँ गाइस आपको बता दो, दीदी को डेंगू हो गया है, डेंगू प्लीज, और खून की कमी और टाइफाइड और फेफड़ों में इन्फेक्शन। गाइज आपको मैं बताऊं, दीदी को डेंगू हो गया है। गाइज आपको पता है जब मैं वहां गई थी ना कोटद्वार, दीदी ने बोला था ना डेंगू हो रहा है, तो दीदी को लग गया सबसे पहले डेंगू, इनको बांधना था मुझे तागा, इनको नहीं बांधा और बच्चों को बांध दिया, बच्चे बच गए। अच्छा वाह। तो गाइज आपको हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय।
This time.